आज मैं आपको सफरे की सब्ज़ी बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमने जो सामग्री ली वो हम देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो सफरा ले लिया। हमें इसे अच्छी तरीके से साफ कर लेना होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बालू होते हैं। हम इस तरीके से इसे धुल लेंगे। मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक बर्तन ले लिया, उसमें पानी में भर करके अपने सफरों को इसमें डाल दिया। अब इस तरीके से हम अच्छे तरीके से इसे रगड़ेंगे और इसे साफ़ कर लेंगे। हमें इसे अच्छे तरीके से रगड़ के साफ़ करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी मिट्टी या बालू ना रहे। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है, उसमें तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने अब 5 प्याज को कट करके ले लिया है। हमारा तेल गर्म हो गया, अब अपने प्याज को इसमें डाल देंगे। मैं आपको इसको साफ़ करने का प्रोसेस बता देती हूँ। इस तरीके से हमें इसे कट करना है और अंदर का जो ब्लैक पार्ट है उसे निकाल देना है। हमारा प्याज अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ था, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए पकाएंगे। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूँगी। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दूँगी। अब हम इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी ताकि हमारे मसाले जले नहीं। इसे भी अच्छे तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। हमारे मसाले भी पक चुके थे। अब मैंने जो अपने सफड़ों को इस तरीके से साफ़ करके निकाल लिया था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसे भी हम अच्छे तरीके से चलाते हुए इसमें मिक्स करेंगे। सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें इसे अच्छे तरीके से साफ़ करना है, नहीं तो इसमें बालू का टेस्ट भी आएगा। अब मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी। मैंने अपना गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। अब हम इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करके चलाएंगे। अब हम इसे इसी तरीके से चलाते हुए पकने देंगे। अब मैं इसे पानी डाल दूंगी। अब हम इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे ढक कर के थोड़ी देर पकने दूंगी। अब हम एक बार इसे और चला करके चेक कर लेंगे कि हमारी सफरे की सब्ज़ी बनके तैयार हुई है क्या नहीं। हमारी सफरे की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसमें धनिया की पत्ती डाल दूंगी।
अब हम इसमें धनिया की पत्ती को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मेरी सफड़े की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।